आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, गाने को भी और ट्रेलर को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से, आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे यार। कमेंट्स तो बहुत बहुत अच्छे मिल रहे हैं ऑनेस्टली। पहले तो नाम ही लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बाबा ब्लैक शीप, क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर साहब को, राइटर साहब को, इन्होंने फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी करी है, और ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों ने देखा और लोग कह रहे हैं यार बड़े दिन बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें मतलब कॉमेडी भी दिख रही है, एक्शन भी दिख रहा है, कुछ थ्रिल एलिमेंट भी है, तो मुझे फ़ोन आ रही है यार ये क्या मतलब कुछ ट्विस्ट है क्या फिल्म में, तो वो चीज़ें जो है बड़ी हमें हमारे लिए बड़ी इंकरेजिंग। सेम थिंग, आई मीन लाइक सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं नाम सुन के ही, एंड द सेम रिएक्शन वी हैड आफ्टर हियरिंग व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, वो नेचुरल रिएक्शन सबसे आ रहा है, सो आई थिंक वी आर वेरी होपफुल एंड एक्साइटेड। यार सबका रिएक्शन अच्छा तो आ रहा है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, ट्रेलर देख के तो सब खुश हैं, तो आई होप कि फिल्म देख के सब खुश हैं। ओके, फिल्म में आप दोनों ही एक डिफरेंट अवतार में नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा दक्षिण बोलिए। यार कैरेक्टर बाबा, बाबा लड़का जो है 25 साल का है, बड़ा खुश है, बीवी है, अपनी बीवी बनने वाली गर्लफ्रेंड है जिसको चाहता है कि बीवी बन जाए, और अपनी मोटरसाइकिल लेके घूमता रहता है इसके पीछे पीछे, और चाहता है उसको पटा ले फटाफट, यू नो, बड़ा खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन उसके पिताजी जो घर पे बैठे हैं, कभी स्वेटर बुनते हैं, काजू की दुकान है, बड़ी सेटल लाइफ चल रही है, एक दिन बोलते हैं बेटा एक्चुअली क्या है, देख हम 12 पुश्तों से ना कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, सिर्फ काजू नहीं बेचता, तो किस तरह ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट किलर मतलब मुझे भी बनना, कहता है हाँ, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बने या ना बने, बनता है तो ये छोड़ जाती है और नहीं बनता तो पिताजी नाराज, तो उस डिलेमा में अटका। अनुपम जी का बड़ा सिंपल सा रूल है कि भाई टीचर का बेटा टीचर और कॉन्ट्रैक्ट किलर का बेटा कॉन्ट्रैक्ट किलर के घर में नेपोटिज्म। ओके, आओ योर कैरेक्टर। आई एम प्लेइंग एंजेलिना मॉरिस इन द फिल्म, एंड वो अनु कपूर की बेटी है, एंड शी लव्स हर फादर। मेरे पापा जो मैंने वो, ही इज बेसिकली एन आर्ट टीचर जो कि एक अंडरकवर कॉन आर्टिस्ट हैं, वो नकली पेंटिंग्स बेच के बना के सेल करते हैं। एंड पापा से बहुत प्यार करती है, शी नोज व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, तो उनको भी कभी कभी प्यार से डांट देती है। माय फादर हेट्स माय बॉयफ्रेंड, जैसे कि हर एक लड़की की लाइफ में होता है, नो फादर लव्स देयर डॉटर्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड फॉर श्योर बट बॉयफ्रेंड डेफिनेटली। सो द सेम थिंग, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस द इक्वेशन बिटवीन माय फादर एंड। विशाल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मूवी में बहुत सारे वेटरन एक्टर हैं, जैसे अनुपम खेर सर है, अनु कपूर जी है, के मैनन, तो सभी को एक फ्रेम में लाना मुश्किल था क्योंकि बहुत ही उनको लाना मुश्किल होता है सभी को। एक्चुअली मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि आई थिंक स्क्रिप्ट सुन के सब ने हाँ कर दी थी, तो मेरे लिए तो काफ़ी आसान था उनको सबको लाना। के मैनन दोस्त हैं, अनुपम जी मेरे फ्रेंड फिल्मों गाइड हैं, दोनों को मैं पहले से जानता हूँ। अनु जी ने स्क्रिप्ट जैसे ही सुनी उन्होंने हाँ कर दी, और मनीष मंजरी तो आई थिंक बिल्कुल ही रेडी थे, सिर्फ हमें तो लाइन सिर्फ का फिल्म हमने काम कर रहे हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? यार बहुत अमेजिंग, आई थिंक कोई दो राय है ही नहीं ना, इतनी अच्छी कास्ट, इतनी अच्छी फिल्म, इतने बढ़िया डायरेक्टर, पहली बार डायरेक्ट किया लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं लगा। तो आई थिंक जब इतनी बढ़िया यूनिट हो जाए तो जाहिर सी बात है बहुत मजा आता है। ओके, मूवी में हमने देखा है कि आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की भी बहुत बात हो रही है, पर उनके अलावा अनुपम खेर जी ने भी बहुत ही अच्छा दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन, 15 किलो लूज किया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उनका कंपटीशन जो है वो चलता रहता है, वो मुझे बोलते हैं कि तेरे से और वरुण धवन से मेरा कंपटीशन है, तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब हम लाइटली ले रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने लाइटली को बिल्कुल लाइट कर दिया, 15 किलो कम कर दिया, मैंने कहा भाई अब तो और टक्कर करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इन एक्टर से यही सीखने को मिलता है, अनुपम सर इतने बड़े स्टार हैं लेकिन आज भी लाइटली नहीं लेते, एंड ही इज स्टिल वर्किंग सो हार्ड। ओके सर, हमने देखा कि आप पहले टीवी में थे, फिर वापस मूवी में आए, फिर वापस आप टीवी में आए, अब वापस आप मूवी करने जा रहे हैं। अब मैं वापस टीवी भी करने वाला हूं, सो आई थिंक मैं, आर यू सैटिस्फाइड विद द, वेरी हैप्पी मैन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आई थिंक मैंने फिल्म करी, फिर मैंने वापस टेलीविजन पे शो किया, फिर मैंने एक और फिल्म करी, फिर टेलीविजन शो किया, अब एक और फिल्म आ रही है, फिर टेलीविजन शो करूंगा। सो आई थिंक वो एक चीज़ नहीं है कि मेरी कोई फिल्म में कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं वापस टीवी पे आता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं तो दोनों कर रहा हूँ और बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। निर्दोष में भी आपको बहुत ही सराहा गया था, थैंक यू, आप ये मूवी, सो आर यू सैटिस्फाइड विद द रोल यू हैव चूज़न? सी, आई एम एन आर्टिस्ट,
I love the job I do, and I'm getting some good work, and I'm very, very happy growing as an artist and honing my craft with every film. So मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो important है, तो I'm very happy in the space I'm in. विजय जी आपसे जानना चाहेंगे, ये आपका अनुपम खेर जी के साथ थर्ड मूवी है, तो कोई एक स्पेशल रीजन है कि आप सब मूवी में अनुपम खेर जी को लेते हैं? एक्चुअली अनुपम जी मेरे लकी चाउन है. आई थिंक मेरी लाइफ की सारी पहल जो है वो उनके साथ हुई है. सो आई थिंक आई विल नॉट मेक अ फिल्म विदाउट अनुपम जी. ओके मंजीत मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक रिसेंट इंटरव्यू में आया था आप नेक्स्ट डोर का किताब ले रहे हैं. क्या 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 इतना भारी क्वेश्चन था कि मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा, सॉरी. ओके वी शॉर्ट कर दे, कट शॉर्ट. हां ओके, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ वुमन एम्पावरमेंट? आई थिंक अ गर्ल हु इज कंप्लीटली नॉट वरीड अबाउट व्हाट द वर्ल्ड विल से एंड डू व्हाट शी लव्स टू डू, व्हाट शी बिलीव्स इन, एंड चूज हर ओन फुटस्टेप्स इन लाइफ. So I think that is woman empowerment. Okay, sir, ये भी movie एक comic है, और आपका जब भी नाम आता है तो एक comic role जरूर आता है ना, तो in future में ऐसा comedy कौन सा genre comedy का आप explore करना चाहेंगे? I think ये जो genre है बड़ा कमाल है. I think comic thriller मैं बहुत enjoy करता हूँ, और इसमें सिर्फ thrill ही नहीं है, इसमें action भी बहुत है. सर ने बहुत मुझसे action करवाया, you know, भाग दौड़ करवाई है बड़ी, तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें. सो आई थिंक ये जॉनर तो डेफिनेटली मैं एंजॉय करता हूँ, एंड डेफिनेटली आगे देखते हैं कौन से जॉनर आते हैं मेरे पास. आई वुड लव टू डू अ ग्रे कैरेक्टर, लेट्स सी. मैन ओके, ये मूवी 23 को रिलीज होने जा रही है, जो कि हिचकी के साथ क्लैश हो रही है, रानी जी की कमबैक है. सो डू यू थिंक अगर आगे पीछे पोस्टपोन करते तो बहुत अच्छा रहता था? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक बिल्कुल पोस्टपोन करने का सवाल ही नहीं उठता. आई थिंक ये तो हमारे लिए, हम वी आर वेरी हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड. आई थिंक हमारे लिए ऑनर है कि हमारा जो हमारी जो फिल्म है वो रानी मैम की फिल्म के साथ आ रही है. वी आर हैप्पी, एंड एज अ फैमिली मैं तो कहता हूँ ना सिर्फ हमारी फिल्म देखें, उनकी फिल्म भी देखें. आई थिंक ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारी देखो उनकी मत देखो फिल्म, तो आई थिंक फिल्में तो एक साथ आती हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहेगा, 23 को मूवी आ रही है? मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ यार, हमने फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई है, दिल से बनाई है. 23 तारीख को आ रही है बाबा ब्लैक शीप, फैमिली एंटरटेनर है, प्लीज़ आए देखें. Please go watch our film 23rd of March in theaters near you or away from you, but do not miss it. Vijay sir, 23rd March, achhi film hai, achhe logon ne banayi hui hai. Please go watch it. Thank you. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai, aur hum kya roshni dalenge uske upar. Ek bahut hi acha vishay hai is film ka. महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर.
Global Advertiser for innovative outdoor solutions.